नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 17 सितंबर। सबसे पहले कल के सेशन की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स कॉटन में हमने मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा। प्राइजेस 25,800 के ऊपर नहीं गई, ना ही 25,550 के नीचे ड्रॉप किया। कहीं ना कहीं प्राइजेस अब सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी अगर हम देखें तो करीबन 1.25% की तेजी आई है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि लोअर लेवल पे बाइंग काफी एग्रेसिवली एक्टिव है। वही कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें, दिसंबर वायदे में कल हमने मोमेंटम अच्छा देखा। 5460 का लेवल ओपन होने के बाद प्राइजेस में 2440 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, बट हायर साइड में 2480 का लेवल भी नहीं तोड़ पाया। बट एक कंसोलिडेशन फेज था। आज शुक्रवार है और जनरली हम देखते हैं शुक्रवार के सेशन में जो भी कमोडिटी में बड़ी गिरावट होती है वहां पे लोअर लेवल पे एक बाइंग आते हुए दिखाई देती है। तो आज हो सकता है कॉटन सीड ऑयल केक में एक मार्केट ठहराव वाला रहे, बट ध्यान रखिए 2480 का लेवल तोड़ने पे ही हम एक तेजी देख पाएंगे। वहीं आज कॉटन की बात करें तो यहाँ पे भी हमने दिसंबर वायदे के अंदर प्राइजेस में स्टेबिलिटी बनते हुए देखी। चाइना में भी हमने मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बनते हुए देखी। इनफैक्ट कल का जो लॉन्ग लिक्विडेशन था वो एक ठहराव वाला था, कहीं ना कहीं प्राइजेस को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा है कि कुछ जगह पे हार्वेस्टिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है, बट गुजरात में खास करके अगर हम बात करें तो फ्लडिंग सिचुएशन की वजह से कुछ डिलेमेंट हुई है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है। साथ में पंजाब के बेल्ट में हमने देखा कि पिंक बॉल बॉम का भी कुछ कंसर्न दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यील्ड में गिरावट आ सकती है। ये काफी कंसर्निंग रहेगा। दिस इज वेरी रॉ टाइम, मतलब बहुत जल्दी है कि इस चीज का आकलन लगाना, बट कहीं ना कहीं अगर यील्ड में ड्रॉप आ जाती है या आउटपुट में थोड़ा ड्रॉप आता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। रिसेंटली जो सीसीपीसी का भी जो अपडेट आया था वहां पे बताया जा रहा है कि कॉटन का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये सीजन का वो करीबन 1.20 से 1.21 के बीच में रहने की उम्मीद है, और पहले जो एस्टिमेट किया गया था वो करीबन 97.95 के करीब था। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज जो मैंने पहले की वीडियो में भी कहा है कि आज की डेट में अगर हम पशु आहार की बात करें तो सबसे सस्ती आइटम कॉटन सीड ऑयल केक ही है, और जिस दिन से लॉकडाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेयरी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल फंडामेंटल साइड कोई मेजर चेंजेस नहीं, और बड़ी गिरावट के बाद मार्केट अपने आप को संभालता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। अगर हम क्वार्टर अक्टूबर वायदे की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए प्राइस 250 मूविंग एवरेज के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक 25,400 से लेकर 26,100 का दायरा, इसी दायरे में कॉटन ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, बट बड़ी तेजी के लिए 26,150 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। वही कॉटन सीड ऑयल केक दिसंबर वायदे की अगर हम बात करें तो प्राइजेस फिर से 2440-50 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज करीबन 2480-2490 के करीब अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो हम 2600 तक का एक रिट्रेसमेंट जंप देख सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो RSI अभी 28 के करीब है, जो थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड के करीब पहुंच चुकी है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि लोअर लेवल पे बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी। वोलेटिलिटी बनी हुई है मार्केट में, बट एक रेंज में बनी हुई है। वर्टेक्स अभी भी बता रहा है नेगेटिविटी है, बट बड़ी तेजी के लिए हमें 2480 का लेवल तोड़ के होल्ड करना है। वहीं कॉटन की अगर बात करें तो कल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 94 के करीब जाते हुए जरूर देखा, बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रही। आज शुक्रवार है, जनरली शुक्रवार को हम लो लेवल पे बाइंग भी देखते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता एक नेगेटिविटी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को इसका सपोर्ट मिलेगा। साथ में यूएस में जो हरिकेन है जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा है, तो क्वालिटी ऑफ जो अराइवल्स रहने वाली है आने वाले टाइम में, या क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप है, उसको कहीं ना कहीं कंसर्न है जो आने वाले टाइम पे आइस कॉटन को सपोर्ट देगी। बट साथ में एक चीज और है, मार्केट में रूमर्स चल रहा है कि $1 का लेवल इस साल में ही कॉटन तोड़ सकता है इंटरनेशनल में डिमांड को देखते हुए, और जो प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं एक डिलेमेंट रहेगा। तो आज के लिए कॉटन सीड ऑयल के एक लेके चलिए, बट बड़ी तेजी के लिए 2480 का लेवल तोड़ना जरूरी है, जो 2480 का लेवल तोड़कर 2520 तक का लेवल दिखा देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।